डियर स्टूडेंट, मैं हूं सिद्धार्थ किरण और आप देख रहे हैं सिमुकी पॉइंट। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको बताया था क्या कि डिसेबिलिटी होता क्या है, डिसऑर्डर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसी तरह से आज मैं सेकेंड सब टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, वो है कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, देयर काउज एंड नेचर, ठीक है। यहाँ पर मैं तीन तरह के जो आपके जो डिसेबिलिटी के टाइप्स हैं वो मैं बात करने वाला हूँ। पहला है कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल डिसेबिलिटीज। बहुत सारे बुक्स में या आप देखेंगे कि बहुत सारे क्रिएटर्स और दोनों को अलग अलग नहीं बताते हैं, एक में ही बताते हैं, वो हो जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। बट दोनों में कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोला हूँ कि अगर हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे सिर्फ हम लोग बोर्ड पे फोकस नहीं करेंगे, कुछ हम लोग सीख कर भी जाएंगे। मान लो कि आप ट्वेल्थ में पढ़ लोगे ये, उसके बाद मान लो कि आप यूनिवर्सिटी जाओगे, कॉलेज जाओगे, वहां पर कोई ये सब नहीं पढ़ने वाले हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे कुछ सीख कर जाएंगे, लोगों को बता सकेंगे आके, ठीक है। तो सारी बातें मैं करने वाला हूँ, ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। और उसके जो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है उसका काउज एंड नेचर। बहुत सारे बुक में नेचर के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं है। नेचर कहने का मतलब है कि सिम्टम्स उसका क्या है, ठीक है। क्योंकि ये जो बहुत सारे क्रिएटर्स का मैंने वीडियो भी देखा था तो वो नेचर के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नेचर के बारे में भी बात कर रहा हूँ कि यानी कि उसके सिम्टम्स क्या है, ठीक है। स्टूडेंट, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में। आखिर फिजिकल डिसेबिलिटी है क्या, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सारी बातें मैं करने वाला हूँ। देखो क्या है, इसको मैं डिफाइन किया हूँ एक छोटे से सेंटेंस में कि इट इज डिफाइंड एज ए लॉन्ग टर्म कंडीशन दैट इम्पेयर्स अ पर्सन फिजिकल फंक्शनिंग, मोबिलिटी, स्टेमिना और डेक्सटेरिटी। हम लोग मैंने आपको बताया था कि इम्पेयर्स मतलब होता है कमी, छिन्नता, ठीक है। इसको हिंदी में कमी या छिन्नता बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है कि ये लॉन्ग टर्म कंडीशंस हैं जो आपकी कमी लाएगी किसमें, आपकी फिजिकल फंक्शनिंग में। मान लो कि आपको किसी तरह का मसल वीकनेस आ गया या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कुछ सिम्टम्स आ गए तो आपको हाथ नहीं उठेगा, कुछ हाथ में मूवमेंट नहीं आएगी। उसी तरह से आपकी मोबिलिटी, आपकी जो चाल है, आप जो जिस तरह चलते हो उसमें कमी आ सकती है, आपकी मूवमेंट में कमी आ सकती है, या हो सकता है कि आपके स्टेमिना या डेक्सटेरिटी में कमी आ सकती है। लेकिन जहां पर मैं बात करूंगा मोबिलिटी की, जहां मैं बात करूंगा मोबिलिटी या बात करूंगा मैं मोटर का, तो वहां मेरा कहने का मतलब है मूवमेंट के बारे में, ठीक है, मूवमेंट के बारे में वहां पर मैं बात कर रहा हूं। उसी तरह से हो सकता है कि फिजिकल डिसेबिलिटी, हो सकता है आपका एक तरह से मोटर इंपेयरमेंट दे दे, ठीक है। मोटर इंपेयरमेंट कहने का मतलब है कि इट इज अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट, यानी कि आपकी बॉडी पार्ट को पार्शियल या आपकी फुल यानी कि या कलर टोटल लॉस दे सकता है आपके बॉडी पार्ट्स को। इजुअली इसमें लिम्स और लिम्स आपके प्रभावित हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं हाथ या आपके दोनों पैर या एक हाथ एक पैर या कुछ इस तरह का आपका कहते यहाँ पर डिसफंक्शन हो सकता है, वहां पे कमी आ सकती है फंक्शन में, और ये रिजल्ट कर सकता है, ये आपको एक तरह से परिणाम देगा मसल वीकनेस में, आपकी मांसपेशियों में कमजोरी आएगा, आपके पुअर स्टेमिना हो जाएगी, ठीक है, आप कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे। इसके अलावा लेक ऑफ मसल कंट्रोल और टोटल पैरालिसिस, जैसे कि मसल वीकनेस होती है तो ये अगर बाद में इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आपका हो सकता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बदल जाए। तो कुछ इस तरह के आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर वो मोटर इंपेयरमेंट हुआ, ठीक है। यानी कि यहां पर मोटर इंपेयरमेंट की जब हम बात करेंगे तो ये आपकी मूवमेंट को दिखाएगी कि आपकी मूवमेंट यहां पर अफेक्टेड होने वाली है, ठीक है। उसी तरह से हो सकता है कि ये आपका फिजिकल डिसेबिलिटी सेंसरी इंपेयरमेंट देकर चला जाए, कहने का मतलब है कि आपको साइड में देखने को मिल सकता है। इट इज डिसेबिलिटी ऑफ सेंसेस, सेंसेस कहने का मतलब आपने भी पढ़ा होगा कि हम लोग के जो सेंसरी ऑर्गन है जैसे कि स्किन हो गया, आई हो गए, नोज हो गए, ईयर हो गए, तो इस तरह में डिसेबिलिटी दे सकता है। मान लो कि आपको स्मेलिंग में प्रॉब्लम हो या पार्शियल आपको कुछ उस तरह की सूंघने वाली चीजें हैं तो उसमें आपको कम सूंघना हो या उसके आपकी जो फंक्शन है वो घट जाएगी, या आपकी टच यानी कि आपको जो सेंसेशन होती है, मान लो कि आपको कोई स्किन पर टच करके चला गया आपको पता नहीं चलेगा, ये पैरालिसिस के केस में देखा जाता है। इसके अलावा हियरिंग यानी कि आपको सुनने में प्रॉब्लम हो या देखने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि ये चाहे वो मोटर इंपेयरमेंट हो या आपका सेंसरी इंपेयरमेंट, ये आपका जरूरी नहीं है कि ये बाय बर्थ होगा यानी कि जन्म लिए आपको ये देखने को मिल जाए, हो सकता है कि आपका बर्थ के बाद भी हो जाए। मान लो कि किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ उसमें आपका हो सकता है आपके लिम्स इंजर्ड हो गए तो आपको कहते वो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बाय बर्थ
या आफ्टर बर्थ भी हो सकता है। और याद रखना कि जब मोबिलिटी और मोटर की बात होगी वहां पर हम लोग मूवमेंट को समझेंगे, मूवमेंट के बस हम लोग उसको समझेंगे कि मूवमेंट में कोई इशू आ रही है। तो ये आपका हो गया फिजिकल डिसेबिलिटी। स्टूडेंट अब मैं बात कर लेता हूँ कॉग्निटिव डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। आखिर कॉग्निटिव डिसऑर्डर है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर नेचर हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल मतलब कि आपके न्यूरोन्स यानी कि आपकी नर्वस सिस्टम वाली प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। दैट क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन फॉर एन इंडिविजुअल टू स्टोर प्रोसेस एंड प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये आपके ऑब्स्ट्रक्शन है यानी कि एक आप तरह से अवरोध डालता है किसमें, आपके जो भी कुछ आप मान लो कि कोई भी सीख रहे हो, ठीक है, उसको रिमेम्बरिंग दैट इज कॉल्ड स्टोर। स्टोर के स्टोर बोलते हैं हम लोग। उसी तरह से प्रोसेस, मान लो कि कोई समझने वाली चीजें हैं, ठीक है, मान लो कि आपको कोई मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है और डिफिकल्टी जा रही है आपको कुछ उसमें समझने में, तो दैट इज प्रोसेस। एंड प्रोड्यूस, आप कुछ किसी को अपनी बातों को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, आप बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो इस तरह की चीजों में आपको प्रॉब्लम्स आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के अंदर, ठीक है। दिस एबिलिटी कैन अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू रीड, यहां तक कि आपकी ये पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम आएगा, कोई आप रीड करोगे तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी, कंप्यूट कोई मैथमेटिक्स सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको कोई भी जो भी मैथमेटिक्स में कोई भी एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन वाली जो टर्म आएगी वहां पर उसको कंप्यूट करने में दिक्कत होगी। इसके अलावा स्पीक एंड राइट, ठीक है, ये सारी चीजों में आपको प्रॉब्लम आने वाली है, यानी कि आपको ये रीडिंग कंप्यूट मतलब कि आपको कैलकुलेशन करने में, यहां तक कि स्पीक एंड राइट करने में दिक्कत ला सकती है कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। और ये दिखता नहीं है, दिस इज कॉल्ड इनविजिबल डिसेबिलिटी। मान लो कि कोई एक ए नाम का इंसान है, उसको कुछ इस तरह का इशू है, चाहे वो सही तरीके से पढ़ नहीं पाता है, कंप्यूट नहीं कर पाता है, तो आपको दिखेगा नहीं वो बाहर से कि वो इस तरह की डिसेबिलिटी से गुजर रहा है, ठीक है। तो जो सामने से नहीं दिखे दैट इज कॉल्ड इनविजिबल डिसेबिलिटी। अब इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स के बारे में बात कर लेता हूं। तो डिसलेक्सिया एक सिम्टम नहीं है बल्कि एक ये डिजीज है, लेकिन डिसलेक्सिया कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के अंदर आता है। उसके सिम्टम्स कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि एन इंडिविजुअल हैविंग डिफिकल्टीज इन राइटिंग रीडिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि आपने एक फिल्म भी देखा होगा तारे जमी पर, जहां पर जो एक ईशान नाम का एक जो स्टूडेंट था तो उसे भी डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम था, जिसको राइटिंग में प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, वो अपने जो वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, उसको रीडिंग में और स्पीकिंग में सही तरीके से बोल नहीं पाता था, और उसे कुछ ऐसा इशू था कि 6 को 9 वो देखता था और बी को वो उल्टा सीधा लिखता था, कुछ इस तरह के जो राइटिंग रीडिंग या स्पीकिंग में जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये डिसलेक्सिया कहलाता है, एक डिजीज है ये। इसके अलावा मेमोरी डिसऑर्डर हो सकता है आपके कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में। इंडिविजुअल हैविंग ऑडिटरी प्रॉब्लम्स, ऑडिटरी मतलब कि आपको सुनने में प्रॉब्लम्स आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जो कोई चीज सुनते हो वो आपकी सिर्फ कान ही फंक्शन कर रही है, आप जो सुन रहे हो उसको ब्रेन भी एक प्रोसेस करता है, तब आप समझते हो कि किसी ने क्या बोला है, ठीक है, ऑडिटरी प्रॉब्लम्स ला सकता है आपका। इसके अलावा कोई चीज को आप याद नहीं कर पाओगे मेमोरी डिसऑर्डर में, ठीक है। इसके अलावा है कि हाइपर एक्टिविटी, हाइपर मतलब होता है मोर या ज्यादा, और एक्टिविटी मतलब कि आपकी जो मूवमेंट है, तो ये मतलब कि आपकी अधिक मूवमेंट होगी, यानी कि इंडिविजुअल हैविंग डिफिकल्टीज इन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी कि वो कहीं एक जगह लंबे समय तक नहीं रह सकता है, ठीक है। मान लो कि उसे कुछ बताया जा रहा है, 1.5-2 घंटे का क्लास हो गया किसी के लिए, वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि वो अटेंशन दे नहीं सकता है, क्योंकि वो हाइपर एक्टिविटी के प्रॉब्लम से गुजर रहा है। यहां तक कि अगर उसे एक जगह बैठा दो घंटे के लिए तो वो बैठ भी नहीं सकता है, क्योंकि वो हाइपर एक्टिविटी से गुजर रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जो होता है वो भी एक इनविजिबल डिसेबिलिटी होती है, अंदर ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं। आपको कहता हो सकता है कि आप डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम्स हो, मेमोरी डिसऑर्डर हो सकता है, हाइपर एक्टिविटी का डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन बाहर से आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिजिकल डिसेबिलिटी में वहां पर आपको जैसे मान लो कि लिम्स में प्रॉब्लम आ गए, आपकी लिम्स सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो वैसे कंडीशन में आपको वहां पर कुछ दिखेगा, फिजिकल आपको वहां पर दिख सकता है, लेकिन कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज में आपको यहां पर किसी भी तरह की डिफॉर्मिटीज, किसी तरह के डिसफंक्शन आपको यहां पर नहीं दिखने वाला है। स्टूडेंट अब मैं बात कर लेता हूं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बारे में, आखिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है क्या, इसके सिम्टम्स क्या है, ठीक है। देखो मैं यहां पर लिखा हूं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम विथ जनरल मेंटल एबिलिटीज,
आपका जो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है ये जनरल मेंटल एबिलिटीज का प्रॉब्लम होता है जो दो खास एरिया को प्रभावित करता है। पहला है कि इंटेलेक्चुअल फंक्शन को, दूसरा है एडेप्टिव फंक्शन को। ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल फंक्शन में क्या आता है, सच एज लर्निंग, आपको लर्निंग में प्रॉब्लम्स आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम्स आएगी, जजमेंट में प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि आपने पहला कॉग्निटिव में पढ़ा था, वहां पर मैं जनरली बताया था कि वो आपको लर्निंग को लेकर ही प्रॉब्लम्स था। आप चाहे कंप्यूट नहीं कर पाओ, चाहे रीडिंग नहीं कर पाओ, चाहे आप अपने आप बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओ या एक जगह बैठ नहीं पाओ, कुछ इस तरह का था। लेकिन यहां पर आपकी जजमेंट को भी लेकर बात होने वाली है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर बात होने वाली है। इसके अलावा एडेप्टिव फंक्शन जब अफेक्ट होगा तो एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ सच एज कम्युनिकेशन, आपकी जो वार्तालाप होती है, बातचीत करते हो, इसके अलावा इंडिपेंडेंट लिविंग, आप जो अपने ऊपर एक आत्मनिर्भर होकर रहते हो, इसके अलावा नॉट हैविंग सोशल बिहेवियर नॉलेज। सोशल बिहेवियर नॉलेज का क्या मतलब है कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है। हम लोग का क्या होता है कि हम लोग समाज में एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन अगर किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है तो वो अपने आप को अकेलापन महसूस करेगा, वो ना समाज के किसी एक तबके से बात करने की कोशिश करेगा, ना किसी से वो बात करने में इंटरेस्ट भी दिखाएगा, तो वो सोशल बिहेवियर नॉलेज उसको नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ जो कॉग्निटिव और जो आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, दोनों में डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले, जैसे हमने बात किया यहाँ पर जजमेंट को लेकर, सोशल, ये जो कुछ कीवर्ड है जो आप लोग एग्जाम में आएगा तो ये सब जरूर मेंशन करना उसमें, कीवर्ड जैसे सोशल बिहेवियर, जजमेंट, ये सब कीवर्ड है। अगर आपने मेंशन कर दिया अपने आंसर में ये सब कीवर्ड को तो आपका वो काम बन जाएगा, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ये आपको मेंशन करना है। ठीक है, आप वो खुद मार्क कर लेना, मैंने मार्क कभी नहीं किया। ठीक है, ये आपको कुछ इसमें मेंशन करना है। और यहाँ पर जो खास चीज है वो है कि जो आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है जनरली 18 यानी कि 18 साल तक या 18 साल से पहले ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज 18 साल के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि अगर 18 साल तक कोई बच्चा जो कुछ उसको सोशल बिहेवियर का नॉलेज नहीं है, वो माना जाएगा कि नहीं इसको डिसेबिलिटीज है। मान लो कि आप 19 साल, 20 साल, 30 साल में, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा वो समाज से बात करना नहीं चाहता है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो उसका कोई डिसेबिलिटी नहीं है, उसका कुछ अपने आप को वो दिखा रहा है, ऐसा कुछ शो कर रहा है। ठीक है, और यहां पर मैंने एक चीज खोजने की कोशिश की कि अगर मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और आपका कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को मैं कैसे दोनों में डिफरेंस कर सकता हूं, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम लोग आईक्यू के में बात करें, अगर किसी एक इंसान का जो 18 साल से पहले है, मतलब 18 साल से छोटा है, तो उसका अगर आईक्यू 70 या 75 से डाउन जा रहा है, नीचे बिलो होता है, तो उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबल बोला जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उसमें पाई जाती है। ये आपका हो गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इससे पहले कॉग्निटिव, इससे पहले फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में मैंने बात किया। अब मैं बात करूंगा आखिर कॉज क्या है, इसका क्यों हो जाता है किसी को, तो वो मैं स्क्रीन पे बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो ये लिखने वाला काम भी बहुत लेंदी हो जाएगा और वीडियो भी बहुत लेंदी बन जाएगा। मैं स्क्रीन पे वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूँ कॉज ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में। कहने का मतलब है कि वैसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से डिसेबिलिटी होती है। सबसे पहला है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, अब इतनी लाइफ फास्ट हो चुकी है तो वैसे में कहीं भी किसी के साथ एक्सीडेंट्स हो सकता है, लेकिन ये एक्सीडेंट्स ढेर सारी डिसेबिलिटीज को दे जाता है। बहुत सारे ऐसे इंजुरीज होते हैं जिसके वजह से आपके लोकोमोटिव इंजुरीज के साथ साथ मेंटल इंजुरीज भी होती है, तो वैसे में एक्सीडेंट्स डिसेबिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा कॉज है वो है जेनेटिक कॉजेस। जेनेटिक नाम सुनकर ही पता चलता है कि वैसे जो हमारे जेनेटिक्स के द्वारा आता है, मान लो कि किसी के एक पेरेंट्स हैं, उन्हें कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम था, तो हो सकता है या चांसेस होते हैं कि उसके बच्चे में उस सारे डिसेबिलिटीज देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर एट्रॉफी, ये सारे जो बीमारी हैं ये उसके आने वाले जनरेशंस में देखने को मिलती है। जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है माल न्यूट्रिशन का। भारत सरकार हमेशा कोशिश करती है कि भारत के हर एक नागरिकों को एक पोषण सहित आपको उसको खाना पहुंचाया जाए, लेकिन फिर भी आज बहुत सारे ऐसे गाँव के बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार है। कुपोषण का शिकार होने से ही बचपन में कैल्शियम की कमी,
जिसके वजह से हमारे बोन्स में प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा आयोडीन की कमी होती है, विटामिन ए की कमी होती है, विटामिन बी 12, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी बॉडी की ग्रोथ को रोकेगी। इसके अलावा ब्लाइंडनेस या लॉस ऑफ मेमोरी, ढेर सारी प्रॉब्लम्स देकर जाती है। जो चौथा कारण है वो है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज, अगर कभी भी आप किसी भी एक इन्फेक्शियस डिजीज से पीड़ित होते हो तो उस समय आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। तो वैसे कंडीशंस में आपकी इम्यून सिस्टम इतनी मजबूत नहीं होती है कि आप बाहर के रोगों से लड़ पाओ, तो वैसे कंडीशंस में आपके जो रोग है वो आपके शरीर में और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। और पांचवा है डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट। देश में बेरोजगारी बढ़ी है, जिसकी वजह से कई लोग ऐसे जगहों में नौकरी करने को तैयार हो जाते हैं जहां पर उनके लिए रहना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग हैं जो मेटल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहां पर उन्हें लंग्स की प्रॉब्लम होती है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जहां पर क्रेकर्स बनते हैं, तो वहां पर कुछ उन्हें प्रॉब्लम्स होती है। तो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वर्किंग एनवायरनमेंट खराब है तो आपको डिसेबिलिटीज देखने को मिल सकती है। तो ये थे कुछ आपके पांच कॉज ऑफ डिसेबिलिटी जो आपको याद रखना है। याद रखना है ये भी कि मैं यहां पर बहुत ही शॉर्ट में बताया हूं। आप लोग सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो इतना तो जरूर है कि आप लोग इसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, क्योंकि अगर मैं हर एक पॉइंट को यहां पर एक्सप्लेन करूं और उसको यहां पर साइड में डालूं तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगा, जिससे आप लोगों को भी एक लगेगा कि वीडियो बहुत लेंथी जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखें कि मेन पॉइंट्स को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लें, इसे अपने भाषा में आप एग्जाम में लिख सकते हैं। वैसे मैं नोट्स में ये सारी चीजों का मेंशन करूंगा एक्सप्लेनेशन में, लेकिन वीडियो मैं बहुत शॉर्ट में बनाया हूं, आप लोग इसे सारी चीजों को देख लीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल सिमुकी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।